हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्क सर। एंड हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। एंड इसमें न्यू वर्ड सिखाने वाली हूँ, मीन इंग्लिश में मीनिंग सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। आप सबको अगर वीडियो मेरी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालती हूँ आप सब जल्दी से जल्दी देख सको। एंड ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ये एक वर्ड मीनिंग है और स्टूडेंट्स के लाइफ में वर्ड मीनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपके फ्रेंड भी तो स्टूडेंट है, तो उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। सो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड यस, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई मीनिंग नहीं आती हो, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई तो कमेंट बॉक्स में दूंगी, या तो मैं स्पेशल वीडियो बना के जो है डाल दूंगी, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर करना। एंड यस, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है कभी कभी। कभी कभी आपके फ्रेंड क्या पूछती है, क्या तुम डांस करती हो, तो आप क्या बोलते हैं? कभी कभी। तो इसे कभी कभी इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, कभी कभी को इंग्लिश में कहते हैं सम टाइम, SOME, सम TIME, टाइम। तो अगर आपकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम डांस करती हो और आप कभी कभी करते हैं, तो आपको क्या बोलना है? सम टाइम। क्या तुम कुकिंग करती हो? सम टाइम। तो इस तरह से आपको इंग्लिश का वर्ड यूज करना है। एंड इंग्लिश का वर्ड यूज करने से क्या होगा, आपका इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होगा, ठीक है? तो इंग्लिश का वर्ड जरूर यूज करना। एंड इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।